के नगरीय निकायों के प्रमुख लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए हैं। प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, आवास व पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां पर शामिल होंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के मार्गदर्शन में ये आयोजन इलेट ग्रुप की ओर से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इच्छा थी कि कोई प्लम्बर अलग से पाइपलाइन न डाले, तो हमने ये प्रयास किया कि पूरी पाइपलाइन को हम घर के अंदर तक दे रहे हैं, ताकि लीकेज की कोई प्रॉब्लम या भविष्य में किसी को पेयर ना हो, ये प्रयास हमने किया है आपके माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अपने तालाबों को बचाने के लिए आपके आशीर्वाद से ये प्रयास किया कि किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त मूर्तियां तालाबों में विसर्जित न हो। आपके आशीर्वाद से आपने हमें 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की, उसके अलावा हमको और कोई राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी करके आपने आश्वस्त किया। हमने खारून के किनारे में एक बड़ा विसर्जन कुंड बनाकर सारी मूर्तियां वहां विसर्जित करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की खुशी है कि उसके पूरे पानी निकालने के बाद उसमें जो मिट्टी बसती है वो फिर से रिसाइकिल होकर के दुर्गा देवी की मूर्ति या अन्य मूर्तियों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये हमारी बड़ी कार्य योजना थी जिसको हमने फलीभूत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सुबह 6 बजे से रायपुर शहर के गाने पूरे देश में बजते हैं, और वो सरकारी स्कूल की 4 ब्लाइंड बच्चियां वो गाना को गाती हैं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जिसकी धूम पूरे दिल्ली से लेकर पूरे प्रांतों में उस गाना को गा करके हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी बड़ी योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने कोरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड से हमको आपने बड़ी जगह दी, और सदर ट्रेंचिंग ग्राउंड में आज हमारा गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट का काम तेजी से शुरू हो चुका है। प्लांट लगाने की दिशा में भी हमने ठोस उपाय कर लिए हैं और हमारे प्लांट की भी शुरुआत हो चुकी है। 6 महीने के अंदर हमारे वो प्लांट तैयार हो जाएंगे, तो रायपुर शहर मुक्कड़ फ्री, गार्बेज फ्री, पॉलीथीन फ्री शहर जो आपका सपना है उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपने बात कही कि किसी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कार्य योजना बनाकर समय सीमा में उसका काम करें, हमने उसी दिशा से आपसे प्रेरित होकर सभी चीजों की समय सीमा हमने निर्धारित कर दी है, और आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद के कारण हम सभी समय सीमा में वो काम कर पा रहे हैं। 20 एकड़ के आधुनिक गौठान लगभग हमारे कंप्लीशन पीरियड में है, जो पुनर के पास तैयार कर रहे हैं। शहर के चारों दिशाओं में हम गौठान की योजना बना रहे हैं। आपने जिस चीज की चिंता की कि गोबर गैस का प्लांट भी वहां तेजी से लगे, उस दिशा में भी हम काम शुरू कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, तालाब जो आज तेली बांधा तालाब से हमने काम शुरू किया, शहर के अन्य तालाबों में हमारी कार्य योजना है। 40 तालाबों को हमने जैविक पद्धति से सफाई करने का निर्णय लिया है, और उन पद्धतियों को हमने अडॉप्ट किया है ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट या पानी किसी प्रकार के प्रदूषित न हो, उसके दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके आशीर्वाद स्वरूप आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे पास स्मार्ट सिटी में और पैसे रखे हुए हैं, आपका आशीर्वाद अगर प्राप्त हुआ तो और भी तालाबों की जो कार्य योजना हमने बनाई है उन तालाबों में हम तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर पाएंगे, इसके लिए आपके आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ये सोचा करते थे कि फिट रायपुर रहे और हिट रायपुर रहे, हमें ये कहते हुए गर्व है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब से आपने पदभार ग्रहण किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों से ये शहर और छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ स्वच्छता के क्षेत्र में। हमने छोटे लोगों के लिए भी काम किया, वेंडिंग जोन बनाकर उन छोटे ठेले वालों को एक आधुनिक ठेला देकर के नाइट चौपाटी जैसी भी व्यवस्था हमने आपके माध्यम से किया। लगभग 200 से ज्यादा गार्डनों में हमने ओपन जिम लगा करके पूरे रायपुर शहर को एक फिटनेस सेंटर के रूप में बदला। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है
कि रायपुर शहर के जितने गार्डन हैं और जो ऑक्सीजन की आपकी कल्पना है उस ऑक्सीजन को मूर्त रूप देते हुए हमने शहर में बड़े बड़े ऑक्सीजन बना करके पर्यावरण की दिशा में हमने एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। 10 प्रदूषित शहरों में रायपुर शहर का नाम था माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके नेतृत्व में जब हमने काम किया तो ये जो दाग और धब्बा रायपुर शहर के ऊपर लगा था कि 10 प्रदूषित शहरों से हमारा शहर का नाम अब हट चुका है, हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास जो है वो आपके माध्यम से हम कर पाए। छोटी छोटी चीजों को जिसको आप कहते थे कि महिलाओं के लिए यूरिनल की व्यवस्था, पुरुषों के लिए पर्याप्त यूरिनल की व्यवस्था होना चाहिए, बाजार में लोग झोला लेकर जाएं, हमने आपके दिशा निर्देश पर सभी रायपुर शहर के बाजारों में गरीब परिवार की महिलाओं को टैक्स फ्री जगह दिया, उनसे किसी प्रकार का हम टैक्स नहीं लेते और वहां वो उन्मुक्त होकर झोला बेच रही है। 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के झोला फ्री अवकाश हमने उनको प्रोवाइड कराया है, अब वो अपने परिवार को सुखद रूप से पालन पोषण कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने 150 से ज्यादा महिलाओं को ई रिक्शा देकर के उनको अपने पैरों में खड़ा होने का एक मौका दिया और आज इस बात को बताते हुए खुशी है कि 150 के बजाय अब 200 से ज्यादा महिलाएं ई रिक्शा चला रही हैं। इस बात का द्योतक है कि हमारी बहनें उसमें किसी बात में कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 20 करोड़ की लाइब्रेरी बनाए, एक दूसरी 14 करोड़ की एक लाइब्रेरी बनाए, आज महज केवल 300 रुपए के फीस में किसी भी गरीब परिवार का बच्चा या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा IAS की तैयारी कर सकता है, IPS की तैयारी कर सकता है। 24/7 लाइब्रेरी बहुत कम देशों में होगी, बहुत कम शहरों में होगी, लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से नगर निगम के माध्यम से 2 बड़ी लाइब्रेरियां बनाई जो 24/7 रन करती है। केवल 2 घंटे हम इस लाइब्रेरी को सफाई के लिए बंद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, तो हमने आपसे ये सब काम करने का तरीका सीखा, जमीन में कैसे काम कर सकते हैं, आम लोग कैसे खुश हो सकते हैं, सीधे 1100 नंबर में कोई भी आदमी अपने फोन हमको कर सकता है और उसकी समस्या का समाधान उस माध्यम से हम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कि आपने 2 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान की शुरुआत हमको भेंट स्वरूप दी है कि हर पार्षद कार्यालय के समीप हम